हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वी हैव सीन नेक्स्ट कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म. इन दिस लास्ट लेक्चर वी हैव सीन इनहेरिटेंस एंड द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस. देन टुडेज वी हैव सीन पॉलीमॉर्फिज्म. देन पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी डेफिनेशन. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एक क्वेश्चन एक पूछा जाएगा और उसमें ऐड होगा तो गिव एनी एग्जाम्पल, ए ऐड होगा, नहीं तो सिर्फ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक्सप्लेन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और कभी कभी पूछा जाएगा कि गिव वन एग्जाम्पल, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं. देन पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म इस जो ए वर्ड है उसका मीनिंग क्या है. तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली, इसका जो पॉली है मीन्स मेनी. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. देन पॉली मीन्स मेनी फॉर्म्स. पॉली मीन्स मेनी. पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. देन इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, मेनी फॉर्म्स. मेनी फॉर्म्स. देन सिंपल वे, पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट. पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स, सिंपली उसकी डेफिनेशन है वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स. सिंपली उसकी डेफिनेशन है वन नेम, वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स. अब वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स मीन्स हमारा कभी मोबाइल होता है तो मोबाइल क्या क्या, मोबाइल एक है लेकिन वो अलग अलग काम करता है, वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म इस कंसेप्ट में हम एक वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म्स. देन किसका वन नेम, कैसा वन नेम, तो पॉलीमॉर्फिज्म इट अलाउज ए सिंगल नेम, इट अलाउज ए सिंगल नेम टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन रिलेटेड पर्पज. हम एक ही नाम यूज़ करने वाले हैं मोर देन वन रिलेटेड पर्पज, मत एक से ज़्यादा काम करने के लिए. पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू आइडेंटिकली नेम्ड मेथड्स मीन्स फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस दैट हैव डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे रेफर. अब वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म्स मीन्स इस पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट में हम हमारे जो मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन मतलब हमारा जो हम गेट डेटा पुट डेटा ए मेंबर फंक्शन को नाम देते थे, ए मेंबर फंक्शन उसका नेम एक ही होगा. वन नेम मतलब किसका वन नेम, मेंबर फंक्शन का वन नेम, वन नेम. लेकिन उसके फॉर्म्स कैसे होंगे, मल्टीपल फॉर्म्स, मतलब हम एक ही मेंबर फंक्शन का नेम यूज करेंगे, एक ही मेंबर फंक्शन नेम, उसका नेम एक, लेकिन उसमें अलग अलग फॉर्म्स होंगे. वो फॉर्म्स मतलब वो एक ही नेम हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. अब अलग अलग पर्पस क्या है वो हम बाद में देखेंगे. सिंपली व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, देन उसकी डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स. वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स, इट अलाउज ए सिंगल नेम टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन रिलेटेड पर्पस, ये उसकी डेफिनेशन हो गई. आपने सिर्फ वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स लिखा तो भी चलेगा. इट रेफर्स आइडेंटिकली नेम्ड मेथड्स मीन्स मेंबर फंक्शंस दैट हैव डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट एक्सप्लेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा. तो मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, वो पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए डायग्राम देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म की ए डायग्राम है. पॉलीमॉर्फिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगेन डिराइव्ड बाय टू वे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग.
एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन A1 कंसेप्ट यूज किया जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में 2 कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स कैसे होंगे वो हम फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू देखेंगे, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू देखेंगे। मतलब हमारे प्रोग्राम कैसे आएंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम एंड वर्चुअल फंक्शन का, जिसमें हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये एक्सप्लेन करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स, कंपाइल टाइम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, देन कंपाइल टाइम में 2 कंसेप्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में 1 कंसेप्ट वर्चुअल फंक्शन। देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग, अल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अल्सो कॉल्ड एज डायनामिक बाइंडिंग। कभी कभी हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, गिव वन एग्जाम्पल। एंड कभी कभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या है और डायनामिक बाइंडिंग क्या है और उसका डिफरेंस क्या है। देन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम को ही कहा जाता है स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कहा जाता है स्टैटिक बाइंडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कहा जाता है डायनामिक बाइंडिंग। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग, हम इसके पॉइंट देखेंगे अलग अलग, तो वो हम डिफरेंस लिख सकते हैं, जो पॉइंट होंगे वही डिफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ में एक्सप्लेन किया जाएगा कि एक्सप्लेन करो कंपाइल एंड रन टाइम, देन वही सेम हम जो डिफरेंस लिखेंगे वही पॉइंट उस समय वो वही पॉइंट लिखेंगे। देन उसकी ये डेफिनेशन, वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स, यही सिर्फ आपको लिखनी है डेफिनेशन। देन अब हम फर्स्ट देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, हमारा प्रोग्राम, हम हमारा कोई भी C++ का प्रोग्राम पहले हम कंपाइल करते हैं उसके बाद रन करते हैं। जब भी हमें रन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब हमें पहले प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है एंड देन रन होता है। अब कंपाइल मतलब क्या और रन मतलब क्या, कंपाइल मतलब कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम कंपाइल करना शुरू कर देता है। अब उसको प्रॉपर उसका फंक्शन मिल गया तो वो रन करता है डायरेक्टली, नहीं तो हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं देन उसके बाद में हमें क्या, एंटर एनी नंबर, तो हम नंबर एंटर करते हैं कोई भी नंबर, देन उसके बाद हळूहळू हमारा प्रोग्राम धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम रन होता है, लेकिन पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है। कंपाइलेशन मतलब हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जब डायरेक्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोग्राम में डायरेक्ट इंट a इज इक्वल टू 10, ए वैल्यू इस प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10 दी गई, एंड देन सी आउट में मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ ए इज एंड ए, ऐसा मैंने कुछ कोड लिखा। इंट ए इज इक्वल टू 10 वैल्यू डायरेक्ट मैंने दी जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब, एंड मैंने सी आउट में लिखा वैल्यू ऑफ ए इज एंड ए की वैल्यू। देन प्रोग्राम जब कंपाइल होगा, जब कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल करना शुरू करेगा तब उस वो मैसेज प्रिंट करेगा, एक वन बाय वन लाइन कंपाइल करता जाएगा, तब उसको ए की वैल्यू क्या, हमने ऑलरेडी वैल्यू पुट की है 10, देन डायरेक्ट मैसेज हमें प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज 10।
अगेन दिस इज द कंपाइलेशन, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं तब कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ही पता चलता है कि उस वेरिएबल को और उस फंक्शन को क्या काम करना है, वो क्या काम करता है वो फंक्शन। तो ए वेरिएबल क्या पुट करेगा, 10 वैल्यू पुट करेगा, इसको हम कंपाइल टाइम पे ही, तो डायरेक्ट वो कंपाइल टाइम पे ही पुट करेगा वैल्यू कि वैल्यू ऑफ ए इज 10, जब हम प्रोग्राम रन करें डायरेक्ट वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने ए की वैल्यू पुट नहीं की, ए की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एक कोड लिखना पड़ेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड देन सी इन में लिखेंगे ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड देन सी आउट में ए लास्ट मैसेज आएगा। लेकिन इससे ऊपर हमारे दो लाइन आएंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड ए की वैल्यू सी इन ए। तो हम जब प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तब कंपाइलर को पता नहीं होगा क्योंकि ए की वैल्यू हमने पुट नहीं की है, वो हम कब देंगे, जब प्रोग्राम कंपाइल करना पूरा होगा देन रन होगा उसके बाद हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू नहीं दी है, तो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब ए की वैल्यू देंगे, तब कंपाइलर को पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है, जो हमने दी है वो है, जो हम देंगे वो ही होगी। देन दिस इज द कंपाइल टाइम एंड दिस इज रन टाइम, कंपाइलेशन एंड रन। देन अब हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट, कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ। कंपाइलर टाइप कंपाइल, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करने वाले हैं, वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स, किसका वन नेम, मेंबर फंक्शन का वन नेम। देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कंपाइलर कैन एबल टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ। मतलब फॉर एग्जांपल क्लास एबीसी, क्लास एबीसी देन इंट एक्स एंड देन हमारा फर्स्ट मेंबर फंक्शन हमने लिया इंट एक्स, पब्लिक यहाँ पर प्राइवेट एक्स स्पेसिफाई देन पब्लिक वॉइड एड इंट एक्स, यहाँ पर जो कोई भी कोड होगा वो लिखेंगे एंड देन वॉइड एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई कोड एंड देन लास्ट पार्ट हमारा वॉइड मेन, वॉइड मेन में हम क्या करेंगे एड 10 एंड एड 4 5 क्लोज। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल, क्लास एबीसी लिया है, उसमें एक वेरिएबल लिया है एक्स, देन मैंने फर्स्ट मेंबर फंक्शन लिखा है वॉइड एड एंड देन उस आर्गुमेंट पास किया है इंट एक्स, एक आर्गुमेंट पास किया है एंड देन मैंने सेकंड वही सेम नेम दिया है वॉइड एड, सेम मेंबर फंक्शन का नेम दिया है एड, लेकिन इसको कितने आर्गुमेंट पास किए हैं, 2 आर्गुमेंट पास किए हैं। देन वॉइड मेन में मैंने क्या किया है, उस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है, पहले एड को कॉल किया तो उसकी वैल्यू दी मैंने 10 दी है उस ब्रैकेट में एंड देन सेकंड एड कॉल किया तो उसकी वैल्यू दी है 4 एंड 5। देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइलर कैन एबल टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन एट द टाइम एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू होता है तब ही कंपाइलर जो उसको मेंबर फंक्शन चाहिए वही कॉल करता है। देन कंपाइलर टेक दिस डिसीजन ऑन, एक कंपाइलर कैसे डिसीजन लेता है, द कंपाइलर टेक दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ द
arguments and the type of the arguments, number of the arguments and their data types in the function call. This, since this decision is taken at the compile time, not at the runtime. अब compiler कौन सा member function call करता है, वो कैसे decision लेता है, तो जो number of arguments हमने pass किए है उसके basis पर वो decision लेता है कि कौन सा member function call करना है या कौन सा member function क्या call कर क्या काम करेगा. ए डिसीजन वो कंपाइल टाइम पर ही लेता है, इसके लिए इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है. फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में मैंने क्या किया है, मेंबर फंक्शन के नेम सेम दिए हैं लेकिन जो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो डिफरेंट दिए हैं. यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, यहाँ पर टू आर्ग्यूमेंट पास किए हैं. देन वर्ड मेन में मैंने फर्स्ट जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसको 10 वैल्यू पास की है, एक वैल्यू, एंड सेकंड हमारा मेंबर फंक्शन है उसको 2 वैल्यू पास की है. अब हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हम देखते हैं C++ में, तो उसका डिज़ाइन कैसे होता है, अप्रोच कैसे होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है. कैसा होता है, बॉटम अप, मतलब हमारा जो प्रोग्राम कंपाइल होता है या रन होता है, कंपाइल होना स्टार्ट करता है, रन होना स्टार्ट करता है, तो वो कैसे होता है, बॉटम टू अप ऐसा कंपाइल होता है. बॉटम टू अप मतलब जो हम वर्ड मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं उसके थ्रू प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू होता है. बॉटम नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐड यहाँ पर कोई ऐड एडिशन की सब्सट्रैक्शन, यहाँ से जब हम वेरिएबल लिखते हैं तब प्रोग्राम रन होगा शुरू, ऐसा नहीं. बॉटम टू अप अप्रोच होता है, इसलिए जब वर्ड मेन में हम जा फंक्शन कॉल करते हैं तब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होना शुरू करता है. अब मैंने प्रोग्राम कंपाइल करना शुरू कर दिया तो उसको फर्स्ट मेंबर फंक्शन मिल गया ऐड, लेकिन ऐड कैसा है, ऐड मैंने टू मेंबर फंक्शन लिए है, दोनों का नाम भी सेम है, तो ए ऐड क्या काम करेगा और ए ऐड क्या काम करेगा एक कैसे पता चलेगा कंपाइलर को, तो कैसे पता चलता है, उसको जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं उसके थ्रू पता चलता है. कंपाइलर कैन सिलेक्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन टू टेक दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर डेटा टाइप्स. जो हमने उसको डेटा टाइप एंड आर्ग्यूमेंट पास किए हैं उसके वजह से वो ए डिसीजन लेगा कि इस ऐड को मैंने 1 वैल्यू पास की है 10, देन यहाँ पर कौन सा एक आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट है x, तो ए 10 वैल्यू हो गई x की. देन नेक्स्ट है ऐड 4,5, देन वो सर्च करेगा फिर से कि 2 नंबर लिखे हैं तो कौन सा फंक्शन है जिसको हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो इस ऐड फंक्शन को हमने एक्स एंड वाई 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो ए 4 एंड 5 वैल्यू किसकी हो गई, एक्स एंड वाई की हो गई. देन मैं और एक ले रही हूँ 3, 4, 6, मेरे यहाँ पर 3 वैल्यू पास किया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी मेंबर फंक्शन नहीं लिया है, सिर्फ मैंने नंबर पास किए, तो वो सर्च करेगा कि 3 वैल्यू किस आर्ग्यूमेंट को, किस मेंबर फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है. देन कंपाइल टाइम फॉर फिर जो ए सिचुएशन है तब कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ही पता चलता है कि वो जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, तो कैसे पता चलता है, उस जो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं उस बेसिस के थ्रू. दिस इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ही पता चलता है कि कौन सा मेंबर फंक्शन कॉल करना है. देन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट पॉइंट बता दिया कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है. देन सेकंड वो डिसीजन कैसे लेता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड द देयर डेटा टाइप्स इन द फंक्शन कॉल. दिस डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस कंपाइलेशन टाइम, नॉट एट द रन टाइम. देन थर्ड पॉइंट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग
स्टैटिक लिंकिंग और अर्ली लिंकिंग, ये तीन नाम है, स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक लिंकिंग। देन फोर्थ पॉइंट है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड इम्प्लीमेंट मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट मैंने बताई आपको, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे 1, 2 और कॉल करेंगे, तो इस कैसे देखेंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये टू पॉइंट में हम वो देखेंगे। ये हो गए हमारे फोर्थ पॉइंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। देन नेक्स्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, देन ये बाद में हम देखेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक बाइंडिंग, उसमें भी हम चार पॉइंट देखेंगे डायनामिक बाइंडिंग। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक बाइंडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कंपाइलर कैन सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन एट द कंपाइलेशन व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कंपाइलर कैन सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। अब जब हम कंपाइल करेंगे तब कंपाइलर को पता चलता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइलर को प्रोग्राम रन होने के बाद पता चलता है कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, देन अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन वो सिलेक्ट करता है एट द प्रोग्राम इज रनिंग। इन दिस पॉलीमॉर्फिज्म द कंपाइलर हैज नो आइडिया एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन विच फंक्शन इट सपोज्ड टू कॉल, इट इज ओनली एट रन टाइम। जब कंपाइलर को कंपाइलेशन टाइम पे नहीं पता चलता कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये पता चलता है जब प्रोग्राम रन होता है तब। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेम प्रोग्राम लिया, देन सेम प्रोग्राम में मैं क्या कर रही हूँ, दो मेंबर फंक्शन ले रही हूँ एड एंड एड, लेकिन उसको कोई भी आर्गुमेंट्स और कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट लिखा है, तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास होगा, तो 10, 4 और मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, तो कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे कैसे पता चलेगा कि ऐड फंक्शन टू ऐड फंक्शन है, तो एक 10 वैल्यू तो वो किसकी वैल्यू होगी, 4, 5 वैल्यू वो किसकी वैल्यू होगी, वो कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलता है, वो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं वैल्यू एंटर करते हैं तब पता चलता है। एक ऐसे होता है रन टाइम में तो ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चलता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट थ्रू हम फंक्शन एक्सेस करेंगे, कंपाइल टाइम में ऑब्जेक्ट थ्रू नहीं करेंगे, रन टाइम में हम फंक्शन ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे, तब कंपाइलर को पता चलेगा रन टाइम पे कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। अब मैंने सेम नेम दिया है तो पता नहीं चल रहा है कि ये फंक्शन ऐड ऐड क्या काम करेगा, मैंने ऐड कॉल किया लेकिन कैसे पता चलेगा कि 10 वैल्यू किस ऐड की है और ये 4, 5 वैल्यू किस ऐड की है, देन दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंपाइलर को पता चलेगा कौन सा फंक्शन को एक्सेस करना है या काम क्या काम करेगा। देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। एंड लास्ट पॉइंट द अचू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म C++ सपोर्ट्स वर्चुअल फंक्शन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम वर्चुअल फंक्शन एक कंसेप्ट देखेंगे कि सेम मेंबर फंक्शन का नेम होते हुए वो कौन सा मेंबर फंक्शन क्या काम करेगा, वो कैसे पता चलेगा, ये हम वर्चुअल फंक्शन कंसेप्ट में
देखेंगे। आज हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स ए डेफिनेशन है, एंड देन उसके टू टाइप्स कंपाइल टाइम रन टाइम, देन फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। देन कंपाइल टाइम रन टाइम ये हमने देखा, सिर्फ उसकी थ्योरी देखी, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन ये थ्री पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे और प्रोग्राम भी देखेंगे। थैंक यू।